नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट शेयर्स है, जो स्मॉल कैप शेयर्स है, जो कि मिड कैप शेयर्स है, उसके बारे में। तो आपको इसमें से कोई भी शेयर अच्छा हो तो उसे चूज कर सकते हैं। हम आपके थोड़े से शॉर्ट में एनालिसिस करते हुए चलेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट शेयर है जो कि अभी आप काफ़ी न्यूज़ में देखते हैं, उन शेयर के बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे शॉर्ट में, ब्रीफ में, ताकि आपको जो वो उस शेयर से अपडेट रह सके, उस शेयर के न्यूज़ से अपडेट रह सके, उस शेयर में अभी फिलहाल क्या चल रहा है उससे अपडेट रह सके। तो सबसे पहला हमारा शेयर है अदानी ग्रीन एनर्जी, जिस समय इसमें लगातार देख सकते हैं अपर सर्किट चल रहा था, उस समय अगर किसी को कह दिया जाए, मतलब कह देते थे वीडियो में कि आप इसमें बाइंग मत करना, आप ट्रैप हो सकते थे, लोग कमेंट में भर भर के गालियां लिखते थे। अभी आप देख सकते हैं जो भी इस प्राइस पर, मतलब अपने हायर प्राइस पर, ये जो था 486 ये अपने जो हायर प्राइस पर था, वहाँ पर जो भी ट्रैप हुए उन्हें अब निकलने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि ये लगातार लोअर सर्किट देख सकते हैं, इसमें लोअर सर्किट टूट ही नहीं रहा। अगर लोअर सर्किट से ये बाहर निकले तब तो कोई सेल करेगा। देख सकते हैं 26% का उसका कैपिटल जो है लॉस्ट हो चुका है। तो जिन्होंने भी ये अपर सर्किट पर यहाँ पर लिया होगा उनका कैपिटल पूरी तरह से फंस चुका है। अब वो इस पर कब बाहर निकलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स जिसे ऑपरेटर जो है उसे उसमें डोमिनेट हो, मतलब ऑपरेटर जिसको मूव करा रहा है, वैसे स्टॉक्स आपको दूर रहनी चाहिए। अब जो हमारे निफ्टी के जो 50 शेयर्स हैं जिसमें काफ़ी लिक्विडिटी है, उसे कोई मूव नहीं करा सकता। एक दिन कर सकता है, दूसरे दिन उसके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा मूव कराने का। लेकिन आप ऐसे ऐसे छोटे स्टॉक में फंसेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रैप हो जाएंगे, हायर लेवल पर बाय करेंगे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि यहां से लगातार मूव कराते गए, लगातार मूव अपर सर्किट के साथ, तो आपको क्या हो गया, इसमें अट्रैक्शन हो गया कि ऐसे शेयर में हम बाय करेंगे तो 6 महीने में मेरा वेल्थ इतना क्रिएट होगा जितना कि किसी का नहीं हुआ होगा। दोस्तों ऐसे होता तो बड़े बड़े जो हमारे मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करते और इससे बहुत जल्द करोड़पति हो जाते। तो ऐसे स्टॉक में कभी भी ट्रैप ना हो, ऐसे स्टॉक में आप लोअर लेवल पे बाय करें। जब ये स्टॉक्स पूरे नीचे के लेवल पे हो तब इसमें बाय कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है कि जैसे हायर लेवल जाते गया आप रेगुलर इंटरवल पे प्रॉफिट बुक करते रहें। ये नहीं अपर सर्किट में है तो उसी समय प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि उसी समय आपका शेयर जल्द से जल्द सेल हो जाएगा। अभी आपका शेयर सेल ही नहीं होगा, आप यहाँ सेल करके देखिए, सर्किट ओपन ही नहीं होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप वैसे शेयर में इन्वेस्ट करें रिटेल इन्वेस्टर के लिए, खास करके जिसमें लिक्विडिटी है, जिसमें धीरे धीरे आपका वेल्थ क्रिएट होगा। एक ही बार वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में ट्रैप ना हो जाए, आपका जो भी कैपिटल है, जो भी पूंजी है, वो सारा गमा दे। उसके बाद हमारा अगला है रुचि सोया इंडस्ट्रीज। रुचि सोया देखते हैं, ये भी लगातार लोअर सर्किट, लोग इसमें 1500 चला गया, लोग कहते थे ये मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, इतना मल्टी बैगर रिटर्न दिया है कि 10,000 रुपया कोई इन्वेस्ट करता उसे करोड़पति बना देता। ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर सर्किट ओपन हुआ था 700 के आसपास, यहाँ से ये नीचे आया था 519 के आसपास, यहाँ पर कोई बाय कर सकता था। यहाँ से बाय करने के बाद उसे 3 times का मल्टी बैगर रिटर्न ये दिया, 3 times का मल्टी बैगर रिटर्न जो 500 के लेवल पे बाय किया। और उसके बाद यहाँ पर जो भी ट्रैप हुआ है 1500 के आसपास, क्योंकि सबको फंसाया गया कि ये 20,000 चला जाएगा ये शेयर, जिन्होंने भी ट्रैप हुआ उसको निकलने का अब कोई मौका नहीं है, उसका कैपिटल पूरी तरह से फंस चुका है, पूंजी पूरी तरह से फंस चुका है, तो अब उसके निकलने का कोई चांस नहीं है। अगला है हमारा आलोक इंडस्ट्री। दोस्तों आलोक इंडस्ट्री में देखते हैं लगातार अपर सर्किट लग रहा है, ऐसे में सारे इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें काफ़ी अट्रैक्शन है, इसमें काफ़ी लोभ आ चुका है कि ये शेयर भी जो है मल्टी बैगर रिटर्न देगा रुचि सोया की तरह। तो दोस्तों आप सावधान हो जाइएगा, कब ये लोअर सर्किट होगा, कब ये अपर सर्किट को खोल देगा, मतलब कब अपर सर्किट टूट जाएगा, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने एक बार बोल दिया था कि आप प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक कर सकते हैं, मतलब जैसे आपके पास 100 शेयर है तो 10 शेयर का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप हमारे शेयर को बेच देना क्यों चाहते हैं, तो उसका जवाब है आप अभी रुचि सोया को देख सकते हैं कि रुचि सोया लगातार हाई पे हाई बनाने के बाद उसमें लगातार जो है लोअर सर्किट लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? रुचि सोया पिछले क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 4,000 रुपये का दिखाया था, 4,000 रुपये अर्निंग पर शेयर, जिसके कारण उसमें उतनी तेजी थी। आलोक इंडस्ट्री तो आपको प्रॉफिट उतना दिखाया नहीं है, तो ये
ये जो स्टॉक्स है उतना बड़ा रिटर्न नहीं दे सकता है, लेकिन कब लोअर सर्किट लगेगा, कब क्या होगा, इसका कोई पता नहीं है। तो आप अपना रिस्क अपने ऊपर ले। मैं आपको ना तो सेल करने कहता हूँ, ना तो आपको बाय करने कह रहा हूँ। आप कब बाय करें, कब सेल करें, बस आप इस पर ध्यान देकर रखें कि आलोक इंडस्ट्री का जो प्राइस है कितना तेज़ी से आगे जा रहा है या कब प्राइस नीचे जाएगा, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसमें समझ पाए होंगे कि आपको आलोक इंडस्ट्री में जो भी इन्वेस्टेड है वो इस पर लगातार नज़र बनाए रखें कि इसका शेयर प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर चाहे तो कभी भी पार्सल प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लें, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो भी रिटर्न बुक जो भी रिटर्न मिल रहा है उसे आप अपने पास ले लें, मतलब आप अपने कमाए हुए धन को अपने पास लेते जाएं थोड़ा थोड़ा। अगला है हमारा वोडाफोन आइडिया। दोस्तों ये भी देखते हैं, फिर आज इसमें देख सकते हैं 5% का डाउन बार डायरेक्शन। कभी ये लगातार जो अपर सर्किट मारता है तो फिर कभी लोअर सर्किट, मतलब कभी लगातार देखते हैं अप ट्रेंड में रहता है तो कभी डाउन ट्रेंड में। अभी कुछ दिनों से लगातार फ्लैट है 20 दिनों से। तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी, जब 3 रुपये प्राइस पे था मैंने तभी बताया था कि आप इसमें चाहे तो उस समय बाइंग कर सकते थे, आप वहाँ पर बाइंग किए थे, तो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल चुका है। आगे जो है AGR का रिलीफ अगर इसे मिल गया तो ये स्टॉक आपको 50 रुपीज़ तक भी जा सकता है। अगर AGR का रिलीफ नहीं मिला तो ये कर्ज की तरह पूरी दबी हुई है कंपनी, तो फिर इसका स्टॉक्स आपको फिर से 5 रुपीज़ भी आ सकता है। तो पूरी तरह से निर्भर करता है इसके डेप्ट पे, इसका डेप्ट क्या होता है। अगला है हमारा ITC लिमिटेड। ITC अभी प्राइस देखते हैं 203.70 रुपया है और 9 रुपीज़ का आज मूवमेंट देखने मिला है। यह काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो यह काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो इसमें आपको जैसे 180 के प्राइस पर मिल रहा था तो उस समय आप इसमें निश्चित रूप से इन्वेस्ट कर सकते थे। तो जैसे कोई भी स्टॉक्स आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिले तो उस समय ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसे ब्लू चिप स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देता है, साथ साथ इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है आगे, क्योंकि ये कंपनियां सिगरेट के साथ साथ FMCG स्टेशनरी हर सेक्टर में, मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका। तो इसमें जैसे 180 के आसपास 190 के आसपास आता है तो आप इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। लेकिन अभी आप करेक्शन इसमें आएगा या नहीं आएगा इसका आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट के डायरेक्शन का। मार्केट अगर जो हमारा फॉल करता है निश्चित इसमें भी गिरावट आएगा। मैक्सिमम रेट में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट है इसका, देखते हैं पिछले 1-2 साल से सिर्फ अंडर परफॉर्म रहा है ये। उसके बाद हमारा अगला है भारत फोर्ज लिमिटेड। दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, देखते हैं आज इसमें 5% की तेज़ी, काफ़ी तेज़ी आज इसमें देखने मिला और 17 रुपये की आज तेज़ी देखने मिला है इसमें। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, 2700% का रिटर्न दिया है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स आपको अपना रिसर्च करना है, इसके बिजनेस के ग्रोथ को आगे देखना है, सारी चीज़ देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगला है हमारा भारत डायनामिक लिमिटेड। तो दोस्तों ये है आकाश मिसाइल बनाने वाली। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जब इस कंपनी के बारे में आप सर्च करेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है और हमारे डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड कंपनी है। तो जब से ये चाइना वार का इश्यू थोड़ा सा न्यूज़ में आया है ये कंपनी में काफ़ी मूवमेंट देखने मिला है। देख सकते हैं 75% का ये रिटर्न दे चुका है 20 मार्च से लेकर के अभी तक में। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक से सिर्फ आज इसमें गिरावट देखने मिला था, नहीं तो कई दिनों से इसमें लगातार जो है अप ट्रेंड डायरेक्शन में देखते हैं, लगातार अप ट्रेंड में ये स्टॉक्स था। उसके बाद अगला है IT सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक्स जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, NIT टेक, जो NIIT टेक्नोलॉजी है, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। देखिए लॉन्ग टर्म का चार्ट कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, देखते हैं 1268% का। तो इस तरह के जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स होते हैं जिसका चार्ट देखते हैं आपको लगातार अप ट्रेंड में दिखता है, बीच बीच में थोड़ा सा करेक्शन आया है, तो ऐसे आप स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें जब आपको ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा हो, डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा हो। तो ये स्टॉक जैसे 1000 उसके आसपास मिलता है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी। अगला है हमारा रिलैक्सो फुटवेयर। ये भी एक मिड कैप स्टॉक्स है, पहले स्मॉल कैप में हुआ करता था लेकिन अब ये जो है इम्प्रूव होकर के मिड कैप स्टॉक्स बन जाएगा। देखते हैं इतना मार्केट में गिरावट आया है लेकिन ये स्टॉक्स में काफ़ी कम गिरावट आया है। ये 800 रुपीज़ का स्टॉक्स हुआ करता था, अभी देखते हैं ये 600 रुपीज़ के आसपास आया था, अभी भी ये 600 रुपीज़ के आसपास है। तो ये स्टॉक जब भी आपको मतलब 600 उसके नीचे मिलता है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं ये 2792% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो काफ़ी बेहतरीन है फुटवेयर इंडस्ट्री का ये स्टॉक्स, और बाटा दोनों ही बेहतरीन
स्टॉक्स है। अगला है उसके बाद नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जब से जियो इसको एक्यूपाई किया है तो उसके बाद दो चार सालों के बाद ये कंपनियां लगातार परफॉर्मेंस दिखा रही है अब पिछले एक सालों से, और जब से रिलायंस का डेब्ट फ्री हुआ है, मतलब रिलायंस डेब्ट फ्री कंपनी हुआ है, तब से ये कंपनी 100% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर को दे चुका है। आज देख सकते हैं इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा है, पिछले दो दिन से लोअर सर्किट था लेकिन फिर से आज इसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो वन मंथ का चार्ट देखिएगा कितना बेहतरीन है, देख सकते हैं वन मंथ में ये रिटर्न दिया है काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं वन मंथ में ये लगभग 60% का रिटर्न दे चुका है, वहीं एक साल में देखिएगा तो ये देख सकते हैं एक साल में यहाँ से ये पहले भी 26 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था, एक साल में अभी 53% का रिटर्न दे रहा है। वहीं जो इसमें गिरावट आया था, गिरावट के बाद ये 177% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक जब भी गिरावट वाले मार्केट में मिलता है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये मर्ज हो जाएगा हाथवे केबल के साथ टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के साथ, तो उसके बाद ये भी एक जो स्टॉक्स होगा एक लार्ज कैप स्टॉक्स होगा, समझ सकते हैं, जिसका 5000 करोड़ रेवेन्यू होगा। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, और इसमें जो मर्ज होगा वो है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, इसकी पेरेंट कंपनी है नेटवर्क 18। तो ये भी स्टॉक्स और ये दोनों स्टॉक्स सेम रेशियो में आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो मतलब जो इसका 100 शेयर है नेटवर्क 18 का, आपका 91 शेयर के बराबर है, इसी रेशियो में आपका इसका प्राइस जो है आगे बढ़ता हुआ फिर नीचे गिरता हुआ मिलेगा, दोनों सेम रेशियो में, क्योंकि नेटवर्क 18 का जो 91 शेयर है इसके 100 शेयर के बराबर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऊर्जा ग्लोबल, काफ़ी कमेंट आता है इसके बारे में कि जब ये लगातार लोअर सर्किट हिट करता है तो लोग बेचने के लिए व्याकुल होते हैं, जब लगातार अपर सर्किट हिट होता है तो इसको बाय करने के लिए व्याकुल होते हैं। ये जब 3.25 रुपया मतलब वहाँ से लगातार लोअर सर्किट में आ रहा था, यहाँ देख सकते हैं लगातार लोअर सर्किट देखते हैं 3 रुपया तक गया, और वहाँ के बाद फिर से ये अप ट्रेंड पकड़ लिया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि हम कैसे इसको सेल कर पाएँ। तो आपको जब भी गिरावट में मिलता है तभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जब ये अप ट्रेंड में है तब उस समय सेल करना चाहिए, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके उल्टा करना है। जैसे आपको यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट तो यहाँ 3 रुपया के आसपास जैसे आया तो बाइंग करनी चाहिए था, जब ये 3 रुपये के आसपास आ रहा था तो आप सेलिंग करने सोच रहे थे, अब जब ये अप ट्रेंड में है तो आप इसे बाय करने सोच रहे हैं, अब यहाँ पर बाय करेंगे हायर प्राइस पर तो आप फिर इसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जब शेयर आपको लो वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, लो प्राइस पे मिल रहा हो तो उस समय बाय कीजिए, हाई प्राइस जैसे जा रहा है तो उस समय सेल कीजिए। तो इस तरह से पेनी स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे पेनी स्टॉक से आप दूर ही रहें, क्योंकि अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लू चिप कंपनियों के शेयर काफ़ी सस्ते वैल्यू पर मिल रहे हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट करें। अगला है जी इंटरटेनमेंट। दोस्तों इसका जो शेयर है इसके प्रमोटर्स ही बेच रहे हैं, प्रमोटर्स के बहुत सारे शेयर प्लेस्ड हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं इसका जो लो प्राइस है 114 रुपीज़ और हाई प्राइस 405 रुपीज़। तो ये स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट आया है और काफ़ी इसमें गिरावट आती है फिर से ये बाउंस बैक करता है, लेकिन आप पीछे देखिएगा तो 2008 ये 580 रुपये का स्टॉक्स हुआ करता था, अभी देख सकते हैं मात्र ये जो है 175 रुपये का स्टॉक है और 72% से डाउन है। तो ऐसे स्टॉक से आप दूर रहें, ऐसा ना देखें कि ये 600 रुपये का स्टॉक्स था, अभी बहुत ही हमको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, साथ साथ ये भी देखें कि प्रमोटर्स हैं इसके शेयर को बेच रहे हैं और अपना स्टेक इसमें लगातार कम कर रहे हैं, और जो भी शेयर है उसमें से भी बहुत शेयर प्लेस्ड है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमारा कमेंट आता है विप्रो, कि क्या हम विप्रो में अभी बाय कर सकते हैं, क्या हमें विप्रो आगे भी वैसा ही रिटर्न देगा, क्या वैसा ही बोनस देगा जैसा पीछे दिया था। तो दोस्तों आगे कंपनी के ग्रोथ पर निर्भर है, अगर कंपनियाँ अगर ग्रोथ के बारे में सोचती है तो निश्चित है कंपनियाँ जैसे पीछे बोनस दिया है वैसे ही आपको आगे भी बोनस दे। तो कंपनियों के जो फंडामेंटल्स है वो अच्छे होने चाहिए, उसके बाद कंपनी अगर ग्रोथ पे विचार करती है, आगे ग्रोथ पर ध्यान देती है, तो निश्चित है जैसे ये 2021 से लेकर 2020 तक बोनस दिया है वैसे ही आपको फिर से बोनस दे। तो आपको लगातार इस पर ध्यान बनाए रखना है कंपनी आगे किस तरह से अपने ग्रोथ पर फोकस करती है या नहीं। अगर ग्रोथ पर फोकस करती है, अपने रिजर्व मनी को यूज करती है, तो निश्चित है ये कंपनी आपको बोनस आगे भी देगी। उसके बाद हमारा अगला है मदरसन सुम्मी लिमिटेड। मदरसन सुम्मी ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि हम मदरसन सुम्मी में क्या करें। दोस्तों ये देख सकते हैं 2018 से काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ शेयर भी प्लेस्ड है, तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट भी है, शेयर भी प्लेस्ड है, या क्या शेयर प्लेस्ड है वो डेप्ट के रूप में ही है, तो इस बात को ध्यान रखना है। साथ साथ कंपनियाँ डिविडेंड तो अच्छा देती है लेकिन अपना जो प्लेस्ड शेयर है अगर उसे छुड़ा ले तो बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर आपको मिल रही है, और साथ साथ जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा गिरावट अगर आती है तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दें ये एक MNC कंपनियाँ हैं, आपको सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है और जैसे ये 70 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो निश्चित है इसमें बाइंग करें, तो बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं। आगे आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि शेयर जो प्लेस्ड है वो बढ़े ना, तो कंपनी के फंडामेंटल्स पे और कंपनी के मैनेजमेंट पे लगातार ध्यान रखनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं दोनों को। उसके बाद अगला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देख सकते हैं मोटर जो सेक्टर है हमारा ऑटो सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है और ये स्टॉक्स देखते 500 का हुआ करता था और वहां से ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ चुका है और अभी आपको 90% के डिस्काउंट पर, समझ सकते हैं 90% के डिस्काउंट पर मिल रहा है स्टॉक्स, मतलब आपको जो है सिर्फ 10% या 20% अभी देने मिल रहा है, तो 10% 20% पर कोई स्टॉक्स मिल रहा है तो उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो जैसे ये स्टॉक्स आपको गिरावट मिलते हैं तो ज़रूर बाय करें, क्योंकि स्टॉक्स का जो अगर कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करें अगर आपको गिरावट वाले मार्केट में कभी भी मिलता है। तो ये थे कुछ बेहतरीन शेयर जिसके बारे में आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे और लगातार जो हर तरह के जो स्टॉक्स हैं और जिसमें आपको इन्वेस्ट करने की सलाह हम देते हैं, से बचने की सलाह देते हैं, हर तरह के स्टॉक के बारे में लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है ताकि ये वीडियो दूसरे के पास भी पहुंचे, तो और साथ साथ लाइक करने के साथ साथ तो आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे वीडियो और भी दूसरों के साथ पास पहुंचेगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।